आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज डिफाइन द फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है। सो फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स आर, और वी कैन से मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन, मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इंटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इंटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल्स। सो फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, और वी कैन से एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड कहाँ होता है ये। सो इट इज कैरिड आउट बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो अगर हम इस एग्जाम्पल देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होता है, तो इन यीस्ट, यीस्ट में होता है। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है वो है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में इन द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल में। सो एग्जाम्पल है इन यीस्ट। सो यीस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्कोहल, और जो गैस रिलीज होती है वो होती है CO2। तो यीस्ट का यूज बेकरीज में भी होता है, बेकरी में भी होता है, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, CO2 की, क्योंकि ये ब्रेड को जो बेकरी में बनती है उसको प्रोवाइड करती है पफिनेस। इसलिए यीस्ट का यूज होता है बेकरी में। सो यीस्ट क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है, और क्या बनता है उससे फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल प्लस CO2 एंड सम बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है लैक्टिक एसिड। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें फर्मेंटेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज लैक्टिक एसिड। जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ ATP, इन फॉर्म ऑफ ATP एंड दिस ATP यूज बाय सेल। इस ATP को सेल यूज करती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, सो दिस प्रोसेस, ऑल प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, जिसमें एंड प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 रिलीज होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।